Hello students welcome back in hort 211 production technology for vegetables and spices lecture 23 nalkohl call rabi cultivation in this lecture i will cover all culture practices related to nalkohl cultivation like soil climate seed rate sowing time manure fertilizer harvesting yield insect pest disease etc let's start this topic अदर नेम गांठ गोभी हिंदी में इसे नॉल कॉल को गांठ गोभी भी कह देते हैं और कई जगहों पे इसे इंग्लिश में कोहल रबी भी लिखा हुआ रहता है कोहल रबी ठीक है हिंदी में इसे गांठ गोभी कहते हैं बोटनी नेम ब्रेसिका ओलेरेसिया रेसिया गोंगी लॉर्ड्स सीनो नेम्स भी है इसका कई किताबों के अंदर लिखा रहता है ब्रेसिका कोलोरापा फैमिली क्रूसी ब्रेसिकेसी क्रोमोजोम नंबर टू एंड एटीन ओरिजन मेडिटेरियन रीजन भूमध्य सागरिया क्षेत्र एडिबल पार्ट नोब होता है एक तरीके से ये कह सकते हो कि ट्यूबर होता है ठीक है उसी ये कह लो कि तना जो होता है वो रूपांतरित होता है इसमें अंडरग्राउंड नहीं होता और ये और ये बाहर होता है जमीन से ठीक है नोब इंपॉर्टेंट पॉइंट कौल रबी इज द जर्मन नेम ऑफ नॉलखोल विच मींस कैबेज टर्नी, जो कौल रबी इसका नाम है वो एक जर्मन टर्म है जिसका मतलब होता है गोभी, गोभीम ठीक है जो छलगम गोभी गोभी है, गोभीम की तरह दिखाई देती है ठीक नॉलखोल इज ए टिपिकल बाइनियल क्रॉप जो नॉलखोल है जहाँ गांठ गोभी है ये बाइनियल होती है द्विवर्षीय होती है अगर इसका वेजिटेबल के लिए उगाया जा रहा है फिर तो ये एनुअल ही है अगर इसको सीड प्रोडक्शन फ्रूटिंग और फ्लोवरिंग तक लिया जाता है तो तब ये बाइनियल होती है इन इंडिया इट इज़ पॉपुलर इन कश्मीर वेस्ट बंगाल एंड कर्नाटक जो भारत के अंदर कश्मीर वेस्ट बंगाल और कर्नाटक के अंदर इसकी खेती की जाती है और वहीं ये ज़्यादातर फेमस है और ज़्यादा इसका क्षेत्रफल नहीं है इट कंटेंस 92.70 टू पॉइंट सेवन जीरो ग्राम मॉइस्चर 1.10 ग्राम प्रोटीन 3.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1.50 ग्राम फाइबर 3 थर्टी सिक्स पॉइंट जीरो जीरो आई यू विटामिन एंड थर्टी uh, फाइव फिफ्टी थ्री पॉइंट जीरो जीरो विटामिन सी पर हंड्रेड ग्राम एडिबल पोर्शन इसके अंदर बानवे पॉइंट सात जीरो ग्राम मॉइस्चर नमी पाई जाती है एक पॉइंट एक जीरो ग्राम प्रोटीन होता है थ्री तीन पॉइंट आठ ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है एक पॉइंट पाँच जीरो ग्राम इसमें रेशे कह लो फाइबर होते हैं और छत्तीस आई विटामिन ए भी पाया जाता है और त्रेपन आई uh, मिलीग्राम विटामिन सी इसके हंड्रेड ग्राम जो खाद्य भाग है उसके अंदर पाया जाता है वाइटिस इसके ज़्यादातर जो किस्में हैं वो इंट्रोड्यूस्ड हैं ठीक है जो कि विदेशों से एज़ टू एज ला के यहाँ बोई जा रही हैं जैसे किंग ऑफ नॉर्थ पर्पल बियाना ये लेट वैरायटी है पर्पल बियाना वाइट बियाना ये अर्ली वैरायटी है सटन्स अर्लीस्ट पर्पल इसके अलावा पर्पल स्पीक अर्ली वैरायटी है इसके अलावा गोलित वाइट जिसे सदाशिव भी कह देते हैं अपने एरिया में तो ये किस्म है इसके अलावा लार्ज ग्रीन ठीक है इसकी ये क्लाइमेट इन नॉल एट लो नॉट इन इंडियन कंडीशन जो नॉलखोल है इसमें जब तापमान कम रहता है ठीक है तो इसमें बोल्टिंग स्टार्ट हो जाती है बोल्टिंग से मतलब फ्लोवर स्टाक निकल आता है पुष्पन स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो इसके अंदर जो टेम्परेट कंट्री हैं जो शीतोषण वाली या कह लो कि जिनमें तापमान जिन देशों के अंदर तापमान कम रहता है वहाँ पे जो अगेती किस्में रहती हैं उनमें ये एक मेजर प्रॉब्लम है पर भारत के अंदर ऐसी कंडीशन जहाँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है पर अगर फिर भी इसे दस डिग्री सेल्सियस जब अपने रोपण करते हैं दस डिग्री सेल्सियस से तापमान कम रहता है रोपण के समय एक वीक तक अगर दस डिग्री से कम रहे तो इसमें भी बोल्टिंग स्टार्ट हो जाती है इंडियन कंडीशंस के अंदर भी पर अगर बुआई के समय टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए फिर इसमें बोल्टिंग स्टार्ट नहीं होती द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ट्यूबर फॉर्मेशन इज़ टेन टू ट्वेंटी डिग्री और जब ट्यूबर का ने विकास हो रहा है नोब बन रही होती है उस टाइम दस से बीस डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए इट इज़ मोर टोलरेंट टू फोरेस्ट एज कम्पेयर टू अदर और ये पाले से जो दूसरी फसलें हैं उनकी तुलना में बहुत ही ज़्यादा सहनशील कह लो जहाँ ये बहुत ही प्रतिरोधी किस्म है मतलब उसको सहन कर लेती है इन नॉर्थ इंडियन इट इज कल्टिवेटेड एज ए विंटर क्रॉप रवि क्रॉप और उत्तरी भारत के अंदर से सर्दी की फसल के रूप में उगाया जाता है जो विंटर सीजन में उगाई जाती है जहाँ रवि क्रॉप के रूप में उगाया जाता है सोयल नोलखोल इज ग्रोन इन ऑल टाइप ऑफ सॉयल बट हैवी लॉम इज बेस्ट फॉर इट्स गुड गिल वैसे तो नोलखोल को हर प्रकार की मिट्टी में कल्टिवेटेड किया जा सकता है परंतु जो भारी दोमट मिट्टी होती है इसकी कल्टिवेशन के लिए उत्तम रहती है द एवरेज सोयल पी एच रेंज सिक्स पॉइंट फाइव टू सेवन जो सोयल पी एच होना चाहिए साढ़े छः से सात के बीच होना चाहिए नॉलकॉल इज सेंसिटिव टू हाईली एसिटिक एंड हाईली एल्केलाइन सोयल जो जिनमें ज़्यादा एसिड पाया जाता है या जा बहुत ज़्यादा एल्केलाइन है ऐसी मिट्टी इसकी कल्टिवेशन के लिए अनुपयुक्त होती है अच्छी नहीं रहती सोइंग टाइम इसकी जो किस्में इनको तीन टाइम उगाया जाता है अर्ली किस्मों के रूप में मेन जो फसल है उसका और एक लेट जब छेती किस्मों के रूप में तो अगेती जो किस्में है उनका जो बीज बोने का समय रहता है नर्सरी तैयार करने का वो अगस्त होता है फिर उसको एक महीने बाद लगभग चार वीक बाद सितंबर के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है मतलब पौध तैयार हो जाती है मेन जो फसल है वो सितंबर के अंदर इसकी पौध तैयार करते हैं अक्टूबर के अंदर उसको शिफ्ट कर दिया जाता है मेन फील्ड में लेट किस्में हैं जो जब पछेती किस्में हैं उनको अक्टूबर के अंदर पौध तैयार करते हैं या बीज बोते हैं फिर नवंबर के अंदर उसको मेन फील्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट इसके लिए लगभग एक से डेढ़ किलो बीज काफी रहता है एक हेक्टर की पौध तैयार करने के लिए बीजों को पहले वही फिफ्टी डिग्री सेल्सियस गर्म पानी से भी उपचारित किया जाना चाहिए इसके अलावा बीजों को थायरम कैप्टान दो से तीन ग्राम पर के बीज के हिसाब से भी उपचारित करके बोना चाहिए सोइंग द सीड्स इज सोन इन राइज नर्सरी बेड साइज 1.2 मीटर वाइडर एंड 7.5 मीटर लॉन्ग ज़्यादातर जो बीज होते हैं इसके उठी हुई क्यारी में बोते हैं मतलब नर्सरी जो तैयार करते हैं वो उठी हुई क्यारी में तैयार करते हैं लगभग एक पॉइंट दो मीटर तो वो चौड़ी होनी चाहिए और लगभग साढ़े सात मीटर लंबी हो तो ज बीजों को जनरली ब्रॉडकास्ट किया जाता है मतलब छिड़क दिया जाता है ऊपर से जो कंपोस्ट है गोबर की खाद है उससे कवर कर देते हैं पतली लेयर से कवर कर देते हैं बाद में उन बेड को जो उसका आस्ता है उसे मल्चिंग कर देते हैं सूखी हुई पत्तियाँ डाल देते हैं या सूखी हुई घास से उसको कवर कर देते हैं जिससे कि उसमें नमी बनी रहे ठीक उसके बाद हल्की सिंचाई कर देते हैं झारे के साथ फील्ड प्रिप्रेशन लैंड शुड बी प्लाउड थ्री टू फोर टाइम एंड मेक सोयल बेटर टिल्थ टिल्थ बेटर जो मिट्टी है उसकी तीन चार बार जुताई करके उसके बाद जो मिट्टी की टिल्थ होती है ठीक है कंडीशन होती है उसको अच्छा बना लिया जाता है एंड एट दट लास्ट टाइम लास्ट प्लॉइंग एट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव टन पर हेक्टर एफ वाई एम जो लास्ट प्लॉइंग कर रहे होते हैं उस टाइम लगभग बीस से पच्चीस कैलो जहाँ लगभग इसमें कम डाली जाती है पंद्रह से बीस uh, के आसपास गोबर की खाद खेत में मिला देनी चाहिए ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग्स आर रेडी टू ट्रांसप्लांट फोर टू सिक्स वीक्स आफ्टर सोइंग जो बी पौध होती है लगभग चार से छः बीक के अंदर लगभग एक से डेढ़ महीने के अंदर तैयार हो जाती है नर्सरी के अंदर ठीक है उसे रोपण के लिए ये कह लो कि तैयार होती है रोपण कर देना चाहिए फॉर प्लांटिंग प्रिपेयर रिज एंड फ्रो थर्टी सेंटीमीटर अपार्ट जो प्लांटिंग करते हैं इसकी जनरली रिज और फरो के हिसाब से करते हैं मतलब नालियाँ बना ली जाती हैं जहाँ ये कह लो कि मेड़ें बना लेते हैं फिर नाली आ जाती है फिर मेड़ आ जाती है रिज एंड फरो ठीक है तो जो नाली बनाई जाती है यानी सॉरी मेड बनाई जाती है वो लगभग सिक्सटी सेंटीमीटर ये कह लो कि चौड़ी होनी चाहिए और उसके बाद एक फिर नाली आ गई ठीक फिर उसके बाद तीस सेंटीमीटर की नाली फिर फिर एक नई जो मेड है वो आ जाएगी ठीक और उसमें जो सील प्लांट बोए है जाते हैं लगभग साढ़े बाईस 22.5 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पर पौधे बोए जाते हैं उस मेड के एक साइड के ऊपर ठीक मतलब जो आपने मेड बनाई उसके ऊपर पौधे लगाने हैं और पौधे से एक पौधे से दूसरे पौधे का जो गैप रखा जाता है या दूरी रखी जाती है वो साढ़े बाईस सेंटीमीटर की रखी जाती है कई किस्मों में ये कम भी रखी जाती है आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग क्रॉप शुड बी लाइटली इरीगेटेड और जैसे ही अपने प्लांटिंग कर दें उसके बाद हल्की सिंचाई फसल को कर देनी चाहिए ठीक है जिससे कि उसमें जो एयर रह जाती है पौधे की जड़ों के साथ में पौधे की जड़ों के साथ में वो खत्म हो जाए या निकल जाए एंड फर्टिलाइजर जनरली टेन टू फिफ्टीन टन पर हेक्टर एफ वाई एम शुड बी एडेड अलॉन्ग विद फुल डोज ऑफ पी के एंड हाफ डोज ऑफ द नाइट्रोजन एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग और द लास्ट प्लोइंग जो uh, लगभग दस से पंद्रह टन गोबर की खाद जो पूरी की पूरी मात्रा है फास्फोरस की पोटाश की और आधी मात्रा नाइट्रोजन की जब अपने ट्रांसप्लांटिंग कर रहे होते हैं खेत में उस समय या फिर जब लास्ट जुताई कर रहे होते हैं तो खेत में मिला देनी चाहिए जो नाइट्रोजन की रिमेनिंग डोज या नाइट्रोजन की जो आधी मात्रा बच जाती है उसे चार वीक बाद या एक महीने बाद तीस में दिन बाद खेत में टॉप ड्रेसिंग के रूप में दिया जाता है इन जनरल इट रिक्वायर अबाउट हंड्रेड के जी नाइट्रोजन एटी फाइव के जी फास्फोरस एंड वन सेवेंटी के जी पोटाश जो इसकी जनरल रिक्वायरमेंट है गांठ गोभी की वो सौ किलो नाइट्रोजन पर हेक्टर पचासी किलो फास्फोरस और एक सौ सत्तर किलो पर हेक्टर पोटाश की है इरीगेशन crop शुड बी इरीगेटेड फोर टू सेवन डेज इंटरवल डिपेंडिंग अपॉन द सोयल एंड weather कंडीशन जो इसमें सिंचाई की जाती है वैसे तो वेदर के ऊपर जो मौसम है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कैसा मौसम है और नमी कितनी है जमीन के अंदर और जनरली इसमें पाँच चार से सात दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते हैं मोर सोयल मॉस्चर इज इसेंशियल एट द टाइम ऑफ ट्यूबर फॉर्मेशन जब ट्यूबर बन रहा होता है नोब बन रही होती है तो उस समय सिंचाई जहाँ ये कह लो कि उस समय जमीन में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए वीट कंट्रोल एज नॉट कॉल इज शेलो रूटेड क्रोप सो फ्रिक्वेंट शैलो कल्टिवेशन शुड बी गिवन टू दॉयल टू किल वीड्स जैसे कि अपने को पता ही है कि ये एक शैलो रूटेड है ज़्यादातर कोल क्रोप शैलो रूटेड होती हैं मतलब उथली जड़ वाली होती हैं ज़्यादा गहराई में इनकी जड़ नहीं जाती तो इसमें हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए जिससे कि वीडों के जो खरपतवार है उनके साथ इसका कंपटीशन ना रहे ठीक है वो कंपटीशन ना करें पोषण तत्व पोषक तत्वों के लिए या फिर सिंचाई जो मॉइस्चर है उसके लिए ठीक है उनको टाइमली टाइमली निकालते रहना चाहिए पेंडीमिथालीन या फिर ये कह लो कि स्टाम्प का एक से दो किलो पर हेक्टर प्री इमरजेंस अगर अपने स्प्रे कर देते हैं और इसके साथ में एक से दो निराई गुड़ाई करते हैं तो पूरी तरह से वीडों को जो खरपतवार है उनको खत्म किया जा सकता है हार्वेस्टिंग द नॉलखल हार्वेस्ट फोर्टी फाइव टू सेवेंटी डेज अकॉर्डिंग टू द वायटीज नॉलखल के अंदर जो जहाँ कह रहे हो कि गांठ गोभी की जो आ, कटाई की जाती है या तुड़ाई की जाती है वो पैंतालीस से सत्तर दिनों के आसपास वो तैयार हो जाते हैं वो किस्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि कई किस्में जल्दी अपना ट्यूबर बना लेती हैं कई थोड़े लेट बनता है तो जब पूरा साइज ले लेता है लगभग पाँच से सात सेंटीमीटर डायामीटर मतलब उसका जो टर्निप की तरह जब उसका डायामीटर जो रेडियस है वो पाँच से सात सेंटीमीटर का हो जाए तो उसको काट लेना चाहिए अगर इसको फील्ड में ही खड़ा रहता है काफ़ी टाइम तक बाद में भी तो इसमें फाइब्रस हो जाता है ये रेशेदार हो जाता है जो खाने लायक नहीं रहता उपज द ईल्ड ऑफ नॉलकॉल इज़ अबाउट टू हंड्रेड क्विंटल पर हेक्टर जो गांठ गोभी है इसकी जो उपज है लगभग दो सौ पर हेक्टर होती है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट ज़्यादातर जो टर्निप है सॉरी जो कॉल है गांठ गोभी है इसमें ज़्यादातर जो इंसेक्ट पेस्ट हैं वो कैबेज और कॉलीफ्लावर वाले ही रहते हैं क्योंकि ये भी एक कॉल क्रॉप है और बहुत ज़्यादा ये क्षेत्र में कल्टीवेटेड नहीं होती ठीक है तो इस पर ज़्यादा स्टडी भी नहीं हुई तो इसका जो पहला इंसेक्ट है कैबेज एंड टर्नी एफिड ब्रेबी कोर्नी ब्रेसिकोई इसके जो सिम्टम्स रहते हैं ये इंसेक्ट कह लो कि जैसे एफिड होता है सेम वैसा ही है पौधे से जो कोमल भाग होते हैं वहाँ से रस चूसता है जिसके कारण पत्तियाँ रिंकल्ड हो जाती हैं ये कह लो कि पत्तियाँ नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं या जा फिर पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं जो पौधे की वृद्धि होती है वो रुक जाती है इसके अलावा जो जहाँ पे भी ये कॉलोनी के अंदर लगा हुआ रहता है वहाँ पे एक हनी डू जैसा आ, लेटेक्स आ, ये कहते कि छोड़ता है वहाँ पे आपको चिपचिपा सा दिखाई देगा उस जगह से वो जो जिस भी भाग पे ये लगा हुआ होगा पौधे के तो कंट्रोल है इसका स्प्रेद विद मेलाथियन और पैराथियोन इन सीड प्रोडक्शन अगर अपने ये कह लो कि जो लेट फसल होती है जहाँ सीड प्रोडक्शन की कर कर रहे हैं वहाँ तो आप मेलाथियोन या पैराथियोन का आप स्प्रे कर सकते हो क्योंकि ये ज़्यादातर जो लेट फसल होती है वहाँ पे अटैक करता है अगर अर्ली स्टेज के अंदर ये शो होता है जहाँ ये इंसेक्ट अटैक करता है तो आप उसके अंदर निकोटीन सल्फेट को यूज कर सकते हो उसका स्प्रे कर सकते हो इसके अलावा डायमंड ब्लैक मॉथ ये प्लुटेला जाइलोस्टेला के जो है इंसेक्ट है इसका साइंटिफिक नेम है दिस इज मोस्ट डैमेजिंग पेस्ट ऑफ कोल क्रॉप्स ये कोल क्रॉप्स जितनी भी हैं कैबेज है कॉलीफ्लावर है, है सबका एक महत्वपूर्ण इंसेक्ट है जहाँ ये कह लो कि बहुत ही सीरियस इंसेक्ट है डेंजरस इंसेक्ट है ये पत्ती जो भी होती है इसकी जो पत्ती की क्लोरोफिल वाला भाग होता है नसों को छोड़कर या छीराओं को छोड़कर उन सबको ये खा जाता है जिससे कि जो इसकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है पौधे की वो रुक चेक हो जाती है रुक जाती है जिसके कारण पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है इसके अलावा पत्तियाँ गिरना शुरू हो जाती हैं कंट्रोल है ग्रो मस्टर्ड क्रॉप विद द ग्रो मस्टर्ड विद द क्रॉप एज ए ट्रैप क्रॉप मतलब मस्टर्ड को या सरसों को ट्रैप क्रॉप के रूप में नॉल खोल जहाँ जो भी कॉल फसलें हैं उनके साथ उगाना चाहिए इसके अलावा स्प्रे फोर परसेंट नीम सीड कर्नल ऑयल जो नीम के बीज का तेल होता है उसके चार प्रतिशत का स्प्रे भी इफेक्टिव रहता है डिजीज़ मैनेजमेंट डैम्पिंग ऑफ ठीक है जो इसमें मेजर नर्सरी की प्रॉब्लम है पिथियम स्पीसीज़ है राइजोकोटोनिया स्पीसीज है और फ्यूजेरियम स्पीसीज है इनके कारण ये कॉज करते हैं ये डैम्पिंग ऑफ नर्सरी बेड के अंदर होता है इसमें पौधे पोद, की जो पौधे की जो कॉलर रीजन होती है जहाँ से वो ज़मीन के साथ टच में रहता है वहाँ से पौधा गलना स्टार्ट हो जाता है जिसके कारण पौधा ज़मीन के ऊपर या नर्सरी बेड के अंदर गिर जाता है कंट्रोल है इसका सीड शुड बी ट्रीटेड विद थायरम और कैप्टान थ्री ग्राम पर के जी सीड बिफोर सोइंग बीजों को पहले तो उपचारित करके बोना चाहिए इसके अलावा जो नर्सरी बेड है जैसे पौध खड़ी हुई है तो उसको लगभग 200 ग्राम पर 100 लीटर वाटर के अंदर गोल बनाकर दो बार उसका छिड़काव करना चाहिए या कह लो कि उसको ड्रेंच करना चाहिए पौधे के आसपास डालना चाहिए इसके अलावा बीजों को 50 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी से आधे घंटे तक ट्रीट करके बोना चाहिए इसके अलावा जो नर्सरी बेड की मिट्टी है उसको स्टरलाइज किया जाना चाहिए फॉर्मेलिडीहाइड के घोल से ठीक दूसरी इसमें बीमारी है डाउनी मिल्ड्यू पर्नोस्पोरा पैरासिटिका के कारण होता है इसमें जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं पत्ती की जो निचली सतह होती है वहाँ पे पर्पलिश बनाओ ब्राउन कलर के धब्बे दिखाई देते हैं लेटर स्टेज डार्क संकन स्पोर्ट्स आर सीन ऑन द स्टेम उसके बाद जो पौधे का तना होता है वहाँ पे गहरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं दसे हुए गड्ढे दिखाई दसे हुए दब्बे दिखाई देते हैं कंट्रोल है इसका फॉलो क्रॉप रोटेशन एक तो फसल चक्कर अपनाना चाहिए इसके अलावा कीप फील्ड वीड फ्री जो खेत है उसे खरपतवार मुक्त रखना चाहिए तीसरा कंट्रोल है बिफोर सोविंग शीट शुड बी ट्रीटेड विद हॉट वाटर 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट जब अपने बुआई करते हैं बीज की बीज बोना होता है उससे पहले बीजों का उपचार करके उसको बोना चाहिए मतलब पचास डिग्री गर्म पानी के अंदर बीजों को तीस मिनट तक डुबो के रखना चाहिए फिर उसके बाद उन बीजों के ऊपर थायरन या फिर कैप्टॉन थ्री ग्राम पर केजी बीज के हिसाब से उससे ट्रीट करने के बाद ही बोना चाहिए तीसरा इसके अंदर जो डिज़ीज़ है वह लीप स्पोट अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला के कारण होती है इसमें स्मॉल ब्लैक स्पोर्ट्स ऑन लीव्स, स्टेम आर सीन डिजीज इज सीन एज सीड एज वेल एज सोयल बोर्न जो इसके पत्तियों के ऊपर काले रंग के धब्बे या तनों के ऊपर धब्बे दिखाई देते हैं ये जो बीमारी है वो जहाँ तो ये कह लो कि सीड से फैलती है और ये सोयल बोर्न भी हो सकती है पाइप सीड से भी फैलती है और जो सोयल है मिट्टी है उससे भी फैलती है इसका भी कंट्रोल वही है कि बीजों को पहले पचास डिग्री सेल्सियस जो गर्म पानी है उससे तीस मिनट तक उपचारित करना चाहिए इसके अलावा बीजों को थायरम और कैप्टान किसी फंजी साइड से तीन ग्राम पाउडर से पर के बीज को ट्रीट करना चाहिए इसके अलावा नर्सरी बेड की सोयल है उसे फॉर्मेलिटी हाइट से स्टरलाइज किया जाना चाहिए ठीक है थैंक यू